तो एमटीके सीपीयू में अगर हमें सॉफ्टवेयर करना है तो हमें फ्लैश फाइल की आवश्यकता पड़ेगी और फ्लैश टूल, और एमटीके सीपीयू के हमें यूएसबी ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। ओके, अब फ्लैश फाइल को हम, हाँ फ्लैश फाइल को हम लोग स्टार्क रोम के नाम से भी जानते हैं और फर्मवेयर के भी नाम से जानते हैं। तो फ्लैश फाइल, फर्मवेयर और स्टार्क रोम तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? हाँ, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो कभी आप जो है गूगल पे डाउनलोड करेंगे तो आप अगर फर्मवेयर लिख दोगे तो फर्मवेयर भी आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फ्लैश फाइल लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और स्टॉक रोम। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी मोबाइल है तो उसके लिए हमें क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। हम आपको तरीका बता चुके हैं डाउनलोड करने का, फिर भी हम बता देते हैं, एसपी फ्लैश टूल और लेटेस्ट वर्जन का करना है। गूगल पे आएंगे, टाइप करेंगे एसपी फ्लैश टूल, फर्स्ट लिंक हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके, इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एड लिखा है, ये विज्ञापन है, यहाँ पे हमें क्लिक नहीं करना है और हमें नीचे आना है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो रिस्पॉन्सर्ड सर्चेस, यहाँ ये सब विज्ञापन है, यहाँ पे हमें नहीं क्लिक करना है और हमें क्लिक करना है यहाँ पर। ये टूल दिए गए हैं, अब इसमें से हमें क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन का जो हमें टूल डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे वी लिखा है 5.1924 और इसके नीचे लिखा 5.1912, यानी 1912 है, 1924 है, इसके 1916 है। तो लेटेस्ट कौन हुआ जाके, 1924 हुआ जाके। इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा लेटेस्ट है। इस पे क्लिक करना है हमको, और ये देखो लेफ्ट साइड में जो है डाउनलोड होने लगा है। ये फाइल जो डाउनलोड होगी ये जिप फॉर्मेट में होती है, ठीक है? यानी कि पैक होती है। इस फाइल को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो एक टूल तो हमारे पास ही डाउनलोड हो गया। दूसरी चीज हमको चाहिए एमटीके सीपीयू के ड्राइवर, तो यहाँ पे टाइप करेंगे एमटीके सीपीयू और इसके बाद ड्राइवर डाउनलोड, क्लिक कर दिया हमने इस पे। ऑल वर्जन का है ये। इसके बाद हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और देखो यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट वर्जन 0.8, वर्जन 1.0.4 है ये, लेटेस्ट ये लिखा है इसके आगे ऑलरेडी। इस पे हमें क्लिक कर लेना है और इसको हमें डाउनलोड करना रहेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड सर्चेज है, ये विज्ञापन है, हमें यहाँ पे नहीं क्लिक करना है। मीडिया फायर का लिंक हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये आ गया डाउनलोड करने के लिए, तो उस पर हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। ये विज्ञापन खुल गया, स्पेस को हम कैंसिल कर देते हैं, लेफ्ट साइड में डाउनलोड होने लगा। ये लिंक अभी हम आपको जो है पेस्ट किए दे रहे हैं आपके ग्रुप में। ठीक है, ड्राइवर का लिंक आपके ग्रुप में पहुंच गया। इसके बाद हम इस वाले लिंक को भी पेस्ट कर देते हैं। एसटी फ्लैश टूल डाउनलोड किस तरीके से आपको करना है, ग्रुप में भी है और अपना वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास ये भी टूल जो है डाउनलोड होने लगा, ठीक है? डाउनलोड भी हो रहा है, ये ड्राइवर हो रहा है और ये भी जिप फॉर्मेट में है, जिप, ठीक है? जिप का मतलब हमको 7-Zip से इसको बाहर निकालना पड़ेगा या विंड्रॉट से। अब तीसरे नंबर पे हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए मोबाइल की फ्लैश फाइल, जो हमारे पास मॉडल नंबर मतलब के हिसाब से। देखो ये जो चीजें, दो चीजें डाउनलोड की, ये सभी मोबाइल में काम करेगा, आपका टूल वही काम करेगा, ड्राइवर भी वही काम करेंगे, लेकिन मोबाइल की फ्लैश फाइल जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है? मान लो माइक्रोमैक्स का है तो उसके अंदर जो है एमटीके सीपीयू लगा है तो हमें माइक्रोमैक्स की फाइल चाहिए होगी। पैनासोनिक का है तो पैनासोनिक का हमें फ्लैश फाइल चाहिए होगी। जो फ्लैश फाइलें होती हैं वो फंक्शन वाली उनको कहते हैं फाइलें, और ये मतलब कि 500 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB तक की फाइलें होती है, 5, 6 GB, 7 GB तक की होती है, बड़े बड़े फोनों की, ठीक है? तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो फास्ट होना चाहिए, तभी आप जो है डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग नया टैब ओपन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मॉडल ले लेते हैं पैनासोनिक, B55,
नो हुआ और आगे लिख देते हैं स्टॉक रोम फ्लैश फाइल कुछ भी लिख दो, स्टॉक रोम डाउनलोड, इस पे क्लिक करना है। ऐसे कोई भी मॉडल आप आपके पास है, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया फर्स्ट लिंक पे। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अगर एक फ्लैश फाइल अगर काम नहीं करेगी तो हम दूसरे लिंक से भी दूसरी फाइल डाउनलोड करते हैं। ये आगे जाके 705 MB की फाइल है ये, और यहाँ पे लिया नीचे ये एड विज्ञापन हो गया, यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं गेट लिंक पे, और ये गूगल ड्राइव का लिंक हमारे पास ओपन हो गया। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड एनीवे, ये भी फाइल डाउनलोड होने लगी, ऑलरेडी डाउनलोड है, हमने आपको डाउनलोड करने का तरीका बताया, तो इसको हम बंद कर देते हैं, पुश कर देते हैं। जब आपके पास ये चीजें डाउनलोड हो जाएंगे, इनको क्या करना है, आप एक फोल्डर में रख सकते हो, एस टी फ्लैश टूल, और फाइल कट कर लिया। कट करने के बाद हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर देना है। एक फोल्डर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं सिंपल, जिससे हमारा काम और आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं MTK के नाम से, हमने एक फोल्डर बना लिया बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर आए हमने फाइलें यहाँ पर वेस्ट कर दी, ठीक, सिंपल है ये पहला बिल्कुल सिंपल तरीका, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से फ्लैशिंग करनी है आपको। आप इसे डी ड्राइव में वगैरह में भी सेव कर सकते हो। तो मेरे पास पैनासोनिक की फाइल भी पड़ी, उसको भी इस फोल्डर में हम लोग रख लेते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, देखो ये फोल्डर है और इसके ऊपर लिखा है, ये आ गया। तो अब देखो ये फोल्डर है, ये जिप वाली फाइलें हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, पहले पहले बाहर निकालेंगे, तभी जो हम इन फाइलों को यूज कर पाएंगे। तो ये ड्राइवर है, सेव इन जिप पे आएंगे, एक्सट्रैक्ट टू MTK, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो गई, एक फोल्डर बन गया आगे। ऐसे हमें क्या करना है, ST फ्लैश टूल को भी ऐसे ही करना है, राइट क्लिक करना है, सेव इन जिप पे आना है और एक्सट्रैक्ट टू ST फ्लैश टूल, ठीक है। अब ये देखो ये जिप वाली फाइल हमको इनको नहीं यूज करना है, मेरे पास तीनों होगी, जाके ST फ्लैश टूल है, MTK के ड्राइवर है और फोन भी, फोन की फ्लैश फाइल है, ठीक है। तो अब हमको पहले क्या करना है, USB ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। तो हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और ये जो MTK एप्लीकेशन है, इस सेटअप है, इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है ड्राइवर को, ठीक है। मैंने ड्राइवर का लिंक भी दे दिया है ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, फिनिश कर देना है। तो ड्राइवर डाउनलोड हो गए, अब हमको क्या करना है, ST फ्लैश टूल को ओपन करना है, ठीक है, ST फ्लैश टूल, ठीक है। अब इसमें से कौन सा टूल होगा, उसे कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखो आप लिखा है फ्लैश टूल और उसके आगे लिखा है एप्लीकेशन, आपको ये वाली फाइल को ओपन करना है। देख लो एक बार, यहाँ पे आइकन बना है फ्लैश टूल और यहाँ पे लिखा ओनली एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये टूल आपका ओपन हो गया, इसी टूल से हमें क्या करना है, MediaTek में क्या है, फ्लैशिंग करनी, जिसके अंदर जो कोई भी साइट हो MediaTek का, उसकी हमें फ्लैशिंग करनी है। तो अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या है कि इसकी फाइल जो होती है स्कैटर फाइल में होती है, मैंने कल ही आपको बताया था, यह लिखा स्कैटर लोडिंग, ये ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी आगे जब हम आपको एडवांस लेवल बताएंगे तो वहां पे DA फाइल क्या होती है, ऑथेंटिकेशन फाइल क्या होती है, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमको नॉर्मल फ्लैशिंग यहाँ पे सीखनी है, तो हम उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। तो हमें यहाँ पे स्कैटर वाली फाइल को सिलेक्ट करना है, तो स्कैटर वाली फाइल हमारी है कहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं पैनासोनिक P55 है ना, इसके अंदर जाते हैं और देखिए यहाँ पे फर्मवेयर के अंदर ये पड़ी है स्कैटर वाली फाइल, इस फाइल को हमको सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। अब आपका मोबाइल किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, ओके, तो डेस्कटॉप पे ये फोल्डर पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, टूल पे आए, फाइल को किस तरीके से सिलेक्ट करना है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे स्कैटर फाइल को हमको लोड करना है, तो हम चूज पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे चूज पे क्लिक किया तो यार यहाँ पे एक नई विंडो ओपन आ गई, ओके। अब हमें डेस्कटॉप पे आना है, यहाँ पे डेस्कटॉप ही लिखा हुआ लेफ्ट साइड में डेस्कटॉप, ठीक है, हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखो एक फोल्डर बना था MTK का, हमने बनाया था, MTK पे ओपन कर लेते हैं। पैनासोनिक P55 आ गई फाइल, इसको डबल क्लिक करते हैं, इसको भी डबल क्लिक करना है। अब जाना आपको फर्मवेयर के अंदर और ये स्कैटर वाली फाइल को हमें सिलेक्ट करना है।
इस सेक्टर वाली फाइल हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तैसे ही क्या आगे टूल पे कई सारी फाइलें जो है लोड हो जाएंगी। तो हम करते हैं इसको ओपन, तो देखो ये सारी फाइलें जो है लोड हो रही है टूल पे। अब यहाँ पे फाइलें जो है लोड हो गई जाके सारी के सारी, यहाँ पे कई सारी फाइलें हैं, प्रीलोडर, एमबीआर, बूट, बूट रिकवरी, लोगो, कई सारी फाइलें हैं जितनी जो है मोबाइल में आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोड है ओनली डाउनलोड जो है सिलेक्ट डाउनलोड ओनली। अब आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास जैसे हमने इसमें P55 की फाइल लोड की है, ठीक है, तो अब मोबाइल को ऑफ करना है, मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। चार्ज होने के बाद क्या करना है आपको, मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद डायरेक्टली डाटा केबल से मोबाइल जैसे ही आप लगाओगे तैसे आपके मोबाइल में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल तरीका है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ना कोई वॉल्यूम बटन, ना आप कोई बटन नहीं दबानी है, मोबाइल को ऑफ करके डाटा केबल से कनेक्ट कर देना। आपकी डाटा केबल जो है वो सही होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, पॉइंट इसके नहीं मिस होने चाहिए। अब जो मोबाइल में आप फ्लैशिंग करना चाहते हो उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए डिवाइस मैनेजर पे, क्योंकि उसके जो जैक वगैरह है वो सही होना चाहिए। अगर आपका पोर्ट वगैरह नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आना है और आपको डिवाइस मैनेजर पे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा राइट साइड ऐसे खिसका लेना है और इसके बाद हमें आना है दिस पीसी विंडो 7 में कंप्यूटर होगा, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहां पर जो है पोर्ट कॉम LPT आपके यहाँ पे शो होगा, ठीक। इसको लेफ्ट साइड में इस तरीके से हम लोग सेट कर लेते हैं, यहाँ पे उसके ड्राइवर कनेक्टिविटी दिखाएगी फोन की, ठीक। ये था नॉर्मल फ्लैशिंग का तरीका कि किस तरीके से हमें जो है MediaTek CPU वाले कोई भी मोबाइल में हमें फ्लैशिंग करनी है जिसके अंदर स्कैटर फाइल लगी हुई है उसको हमको फ्लैशिंग करना है नॉर्मली, है इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें हम इस टूल के बारे में और जानना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो कि किसी मोबाइल को आपको सॉफ्टवेयर करने से पहले उस मोबाइल में हम लोग उसकी मेमोरी चेक करना चाहते हैं, जिसके अंदर जो ISC लगी है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड होता है, वो ISC सही है या फिर खराब है, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है कि मेरे पास फोन अगर वो हैंग कर रहा होता है और हमने उसको फ्लैशिंग किया, फोन डेड हो, ठीक है। डेड को रिकवर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम अगर बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है चिप लेवल का काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। मान लीजिए उसके ISC निकाल के भी हम लोग बाद में काम कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, ISC बदल भी सकते हैं, वो तो होगी जाके लॉन्ग प्रोसेस वाली काम। लेकिन हमें पैसे के ऊपर भी देखना है कि हमें फ्लैशिंग करने पे 100-200 रुपए मिलने यहाँ पे, ठीक है, तो हम काम भी वैसे ही करेंगे, एक ही मोबाइल में पूरा दिन लगा देंगे, ऐसा तो करना नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सॉफ्टवेयर करने से पहले मेमोरी को टेस्ट कर लेना है कि मोबाइल की जो ISC है इसमें हम सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं वो सही है या नहीं है। आप मार्केट में सामान लेने जाते हो जो पॉलीथिन में आप झोला में जो है लेके जाते हो कि भैया इसमें सामान डाल दो, ठीक है, तो आप पहले उसको चेक कर लेते हो कि भाई ये फटा तो नहीं है, क्योंकि फटा होगा झोला तो क्या सामान नीचे गिर जाएगा आपका, गंदा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि उसकी ISC सही है या फिर नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर हम फ्लैश फाइल को अपलोड कर रहे हैं। ये सारी फाइलें जितनी यहाँ पे आप देख रहे हो जो हम डालेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मेमोरी टेस्ट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो है रैम टेस्ट हो जाएगी, डेटा बस, एड्रेस बस और ये पार्टीशन टेस्ट वगैरह, पैटर्न टेस्ट, जितने भी टेस्ट हो यहाँ पे EMMC ISC के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर करने से पहले आप जो है ISC चेक कर सकते हो, मोबाइल को सिंपली वही ऑफ करके कंप्यूटर से कनेक्ट कर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लॉकडाउन के समय अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और अगर आप ऑनलाइन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग, मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग और मोबाइल EMMC कोर्स की रिपेयरिंग या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लास से लगता है कि आप जो है सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप मेरा इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।